हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम कढ़ी बनाने जा रहे हैं, भजे की कढ़ी बनाएंगे। तो इसके लिए यहाँ पर मैंने ये दही लिया है, आप देख सकते हैं ये पूरा गाढ़ा दही है। हमें इसमें पानी डालकर फेंट लेना है। और मैंने यहाँ से 1 से 1.5 कटोरी बेसन का आटा लिया है। आप अगर कम बना रहे हैं तो आप बेसन के आटे को कम ले सकते हैं। मैं थोड़ी ज़्यादा बना रही हूँ तो इसीलिए मैंने बेसन के आटे को 1 से 1.5 कटोरी लिया है। और मैंने लिया है यहाँ पर टेस्ट के हिसाब से नमक, थोड़ी से राई के दाने, थोड़े कड़ी पत्ते और थोड़े से जीरा। यहाँ पर मैंने 1 से 2 हरी मिर्च काट ली है। और यहाँ पर मैंने यूज़ किया है खड़ा मसाला, जो ये तेज पत्ता। और यहाँ पर मैंने थोड़ा सा दालचीनी ली है, इस तरह से मैंने थोड़ा थोड़ा, बिल्कुल थोड़ा टेस्ट के लिए यहाँ पर यूज़ किया है। यहाँ पर मैंने मेथी के दाने लिए हैं थोड़े से। और यहाँ पर हल्दी, थोड़ी सी हल्दी यूज़ करेंगे हम। और ये हरा धनिया है, इसे हम बाद में काट कर लेंगे, तो मैंने यहाँ पर इसे धो कर रखा है। तो अब हम शुरू करते हैं हमारा वीडियो फ्रेंड्स। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को सपोर्ट कीजिए और लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। सो थैंक यू फ्रेंड्स, अब हम शुरू करते हैं वीडियो। यहाँ पर मैंने ये जो दही लिया है, सबसे पहले हम इसको पानी डालकर फेंटते हैं। तो फ्रेंड्स, इसमें मैं 1/2 लोटा पानी यूज़ कर रही हूँ, आप देख सकते हैं। यहाँ पर हम इस तरह से इसमें पानी डाल लेंगे। और फिर इस तरह की कोई भी आपके पास घोटनी हो, रवी हो, तो आप इस तरह से इसको घोट सकते हैं। हमें इसे घोट कर थोड़ा सा पतला बना देना है। तो फ्रेंड्स, ये देखिए, ये हमारा बिल्कुल अब छाछ बन गया है इस तरह। अब हम ये बेसन आटे को इस तरह से बेसन आटा लेंगे और ये जो हमारी छाछ है इसको हम इसमें थोड़ा थोड़ा मिक्स करके इसका घोल बनाएंगे। तो घोल बनाने के लिए हमें बिल्कुल थोड़ा सा, सबसे पहले थोड़ा सा मिक्स करना है। वाला आपके पास हो घुटाई तो आप उससे भी कर सकते हैं, अभी मेरे पास तो नहीं है फिलहाल, तो मैं हाथी से इसको आपको बता रही हूँ घोल बनाना। और हमें ऐसा घोल बनाना है कि जिससे मतलब गांठे ना हो, इस तरह से हमें बिल्कुल चलाते हुए और धीरे धीरे घोल बनाना है। तो हम इसका धीरे धीरे से हाथ से घोल बनाएंगे और हमें गांठे बिल्कुल भी नहीं इसमें पड़ने देनी, क्योंकि अगर गांठे पड़ेंगी तो फिर कढ़ी बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेगी। तो इसके लिए ये देखो फ्रेंड्स, हमने बिल्कुल ऐसा घोल बनाया है, इसमें बिल्कुल भी गांठे नहीं, आप देख सकते हैं। तो अभी हम इसी घोल में थोड़ी सी हल्दी मिक्स कर लेंगे इस तरह से, और इसे फिर से थोड़ा सा हिलाकर ले लेंगे। हल्दी को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अगर आप हल्दी नहीं चाहते तो आप हल्दी नहीं डालें। तो यहाँ पर हम इस तरह से इसे मिक्स करते हैं। तो देखो फ्रेंड्स, इस तरह से हमने इसे मिक्स कर लिया। अब हम गैस पर फ्लेम ऑन करके एक पतीला रख देंगे। तो देखो फ्रेंड्स, इस तरह से हमने एक पतीला रख दिया है गैस पर। तो मैं थोड़ी ज़्यादा बनाने वाली हूँ, इसीलिए मैंने थोड़ा सा बड़ा पतीले का यूज़ किया है। और अब हम इसमें अच्छा वाला घी, आपका जो देसी घी आप कहें तो वो आप इसमें यूज़ करें, इससे कढ़ी बहुत ही टेस्टी बनती है। तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा देसी घी यूज़ कर रही हूँ, 1 चम्मच जितना। अब हम थोड़ा सा देसी घी को गर्म होने देते हैं। अब हम इसमें राई डाल देंगे चटकने के लिए। तो मैंने 1 चम्मच राई डाली है, क्योंकि कढ़ी में राई थोड़ी ज़्यादा अच्छी लगती है, इसीलिए मैंने थोड़ी ज़्यादा राई डाली है, 1 बड़ा चम्मच। और अब हम इसे चटकने लेंगे अच्छी तरह से। जैसे ही राई चटकती है हमें थोड़ा सा जीरा डालना है, और जीरा मैंने बिल्कुल थोड़ा डाला है, 1/2 चम्मच जितना। इसके बाद हम इसमें हमारे खड़े मसाले डाल देंगे। आप देख सकते हैं राई अच्छे से चटक गई है, तो खड़े मसालों को हमने इसमें डाल दिया है। अब हम डालते हैं करी पत्ता। इसके बाद हम डालेंगे मेथी के दाने। हरी मिर्च भी हम इसी में डाल देंगे तड़के में, और तड़के को थोड़ा सा हिला लेंगे। आप इसमें लहसुन अदरक की पेस्ट का भी यूज़ कर सकते हैं, वो बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो आप करें, नहीं तो नहीं करें। तो यहाँ से हमने थोड़ा सा मसाले को हिला लिया है,
अब गैस की फ्लेम को हम बिल्कुल लो कर देंगे। अब हमें इसमें दही डालना है तो दही हमारा फटेगा नहीं, इसलिए गैस की फ्लेम को बिल्कुल लो करेंगे और इसमें दही डाल देंगे। हमने दही का जो छाछ बनाया है उसकी बात कर रही थी मैं, तो हम इसमें वो डाल देंगे और इसमें हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, थोड़ा सा पानी ऐड कर लेंगे। इसके बाद हमने ये जो बेसन का घोल बनाया है इसको भी हम इसमें ऐड करेंगे, गैस की फ्लेम को करेंगे फुल और उसके बाद बेसन के घोल को हम इस तरह से इसमें ऐड कर लेंगे। और बेसन के घोल में थोड़ा सा पानी और मिक्स कर ले और इसके बाद और इसमें हम डाल देंगे। हमें और भी इसमें पानी लगेगा बाद में, लेकिन अभी तो हम इतना ही पानी डालेंगे। इसमें चलाते रहेंगे, गोल गोल इस तरह से चलाएंगे, क्योंकि इससे हमारे बेसन आटे में बिल्कुल भी गांठे नहीं होंगी, इसलिए हमें इसे थोड़ा सा सरीका चलाना पड़ेगा जब तक कि इसमें थोड़ा सा उबाल ना आ जाए। अगर उबाल आ जाता है तो इसके बाद आप छोड़ दें और गैस की फ्लेम को बिल्कुल लो रखें। उसके बाद ये हमें मतलब आराम से पकती रहेगी। कम से कम 15-20 मिनट हमें कढ़ी को पकाना है अच्छे से। तो यहाँ देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमें चलाना पड़ेगा और हमें उबाल आने का वेट करना है। अब हमें कढ़ी में टेस्ट के हिसाब से नमक ऐड करना है, आप अपने टेस्ट के हिसाब से नमक को ऐड कर लीजिए। इसके बाद हमें इसे फिर से थोड़ा सा हिलाना है। अब हम इसे उबलने के लिए छोड़ देंगे। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कढ़ी में उबाल आ गया है। अब हम इसे एक अलग गैस पर रख देंगे, बिल्कुल गैस की फ्लेम हम लो करके रखेंगे अलग गैस पर। यह पकती रहेगी कम से कम 10-15 मिनट, तब तक हम इस वाले गैस पर भजे निकाल लेंगे। ये भजे वाली कड्डी है तो हमें भजे निकालने पड़ेंगे, तो हम इस वाले गैस पर अभी भजे की तैयारी करते हैं। अब गैस पर हमें कढ़ाई रख देनी है इस तरह से, और कढ़ाई की आँच पर हमें फुल रखना है गैस को। और यहाँ पर हम इसमें डाल देंगे तेल, हमें भजे तल जाए इतना तेल चाहिए, तो मैंने यहाँ पर इतना तेल डाल दिया है, कम से कम 4 बड़ी चम्मच तेल है। अब हम कढ़ाई को गर्म होने देते हैं, तब तक हम भजे की तैयारी करते हैं साइड में। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने वही पतीला लिया है जो हमारे छाछ का पतीला था, तो इसके अंदर हम 3 कटोरी बेसन डालेंगे। आप जितना चाहे भजे, अगर आप ज़्यादा निकालना चाहते हैं तो ज़्यादा बेसन यूज़ करते हैं, और अगर कम चाहते हैं तो कम आप यूज़ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर 3 कटोरी बेसन यूज़ कर रही हूँ इस तरह से। अब फ्रेंड्स इसमें हम डालेंगे टेस्ट के हिसाब से नमक, आप जितना भी नमक यूज़ करना चाहें अपने टेस्ट के हिसाब से आप डाल सकते हैं। मैं 1 चम्मच भर नमक इसमें डाल रही हूँ। और अब हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी हल्दी पाउडर, बिल्कुल थोड़ी सी। हम डालेंगे थोड़ा सा जीरा और इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा सोडा। हम जो खाने में यूज़ करते हैं सोडा, खाने वाला सोडा, हम वही इसमें यूज़ करेंगे। तो मैंने यहाँ पर इस तरह से बिल्कुल थोड़ा सा सोडा हमें यूज़ करना है। अगर आप ज़्यादा करोगे तो आपके भजे में ज़्यादा तेल लगेगा और आपके भजे बिल्कुल भी अच्छे नहीं बनेंगे, तो मैंने यहाँ पर थोड़ा सा ही सोडा यूज़ किया है। अब हम इसमें पानी डालकर थोड़ा सा घोल बनाएंगे। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं इस तरह से मैंने ये घोल बना लिया है, आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं, बिल्कुल गाढ़ी है, गाढ़ा है ये घोल। तो हमें इसी तरह से घोल लगेगा हमें भजा बनाने के लिए। अब यहाँ पर कढ़ाई में भी तेल गर्म हो चुका है, थोड़ा सा आटा डाल के आप उसे चेक कर सकते हैं कि आपका घोल बना है या नहीं। अब आप हाथ से भजिए को बना सकते हैं या फिर आप चम्मच से भी इसे तोड़ सकते हैं। मैं तो फ़िलहाल इसे हाथ से ही बना रही हूँ। इस तरह से हमें भजियों को तेल में छोड़ देना है। जितनी भी आपके कढ़ाई में भजियाँ बन पाए उतना आप इसे बना लीजिए। इस तरह से हमें ये पूरे में छोड़ देनी है भजियाँ, और गैस की फ्लेम को फ़िलहाल लो रखेंगे थोड़ा सा। इसके बाद हम इसे मीडियम कर लेंगे। आपको भजियों को तुरंत नहीं हिलाना है, 1-1.5 मिनट बाद हम इसे थोड़ा सा हिलाएंगे।
तो हमने एक मिनट के बाद भजून को थोड़ा सा हिला लिया है। हमें इसे होने देना है और थोड़ा सा, जब तक इसे सुनहरा कलर नहीं आ जाता तब तक हम इसे हिलाते रहेंगे थोड़ा थोड़ा सा बीच बीच में। तो देखो फ्रेंड्स, हमारे भजिए का कलर बहुत ही अच्छा आया है। अब हम इसे निकाल लेंगे साइड में, हमें साइड में एक बाउल में इसे निकाल लेना है। और बाकी जो भी बची हुई भजिया हैं मैं उन्हें भी इसी तरह से साइड में निकाल लूँगी थोड़ा सा तल के। तो फ्रेंड्स, हमारी कढ़ी में भी बहुत अच्छा सा उबाल आ गया है, आप देख सकते हैं। अब हम इसमें थोड़ा सा हरा धनिया मिक्स करेंगे। इस तरह से हम थोड़ा सा हरा धनिया इसमें डाल लेंगे और इसे फिर से एक बार थोड़ा सा हिला लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे हमारी ये तली हुई भजिया जो हमने तली थी, इसे भी इसमें डाल देंगे और हम इसे 2 से 3 मिनट इसमें पकाएंगे। हमें ज़्यादा नहीं पकाना क्योंकि आप जितना ज़्यादा इसमें पकाएंगे तो ये घुल जाएंगी, तो आपको बिल्कुल 2 या 3 मिनट इसे इसमें इस तरह से डालकर छोड़ देना है। तो ये देखो फ्रेंड्स, 2 से 3 मिनट हो गए हैं, हमारी भजियाँ भी बिल्कुल पक गई है इसके अंदर। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी ये भजे वाली कढ़ी बिल्कुल खाने के लिए रेडी है। आप देख सकते हैं इसका स्ट्रक्चर बहुत अच्छा आया है और बहुत प्यारी लग रही है। आप एक बार इसे ज़रूर ट्राई कीजिए, आप इसकी टेस्ट कभी भी नहीं भूलेंगे। ये बहुत स्वीट रेसिपी है, आप इसमें थोड़े से शक्कर के दानों का भी यूज़ कर सकते हैं अगर आप चाहें तो, इससे आपकी टेस्ट और भी अच्छी हो जाएगी। अब मैं आपको इसमें से एक तोड़ के भी दिखाती हूँ कि ये किस तरह से बना है। आप इसको दाल के साथ खा सकते हैं, मतलब चावल के साथ खा सकते हैं, सॉरी रोटी के साथ खा सकते हैं। और ये देखिए फ्रेंड्स, ये बहुत ही स्वीट और टेस्टी है, आप देख सकते हैं इस तरह से ये बनी है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियोस, आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए प्लीज़ फ्रेंड्स, और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। सो थैंक यू फ्रेंड्स, ये वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू सो मच।